आवाज इतनी रहने दे। अब हमने पुरानी वीडियो में स्टैटिक्स के बीए सेकंड ईयर का जो स्टैटिक्स का पेपर है उसके एक यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है स्टैटिक्स का सारणिक, इसके विषय में पढ़ा था। अब हम इसके इसमें ही आगे कुछ उदाहरण हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और यहाँ पर A1 जो कॉलम है A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम है, उसके आधार पर मैं इसको हल करना सिखाऊंगी आपको। अगर A1 के आधार पर आप हल करते हो इसको तो A1 जिस कॉलम में आता है और जिस पंक्ति में आता है उसको हटा देंगे और A1 बाहर रखने के बाद सारणिक के अंदर रह जाएगा B2 C2 B3 C3। इसी तरीके से A2 और A3 का हम करेंगे। उसके पश्चात जो मूल सारणिक बनेगा वो बनेगा A1 ब्रैकेट में B2 C3 - B3 C2। इसका तात्पर्य है कि हम यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं B2 और C3 का और इसमें से क्रॉस गुणा करते हैं B3 और C2 का, जिसको आपस में हम घटाते हैं। और इसी तरीके से B1 और C3 का क्रॉस गुणा करेंगे और B3 और C1 का, और इनको आपस में हम घटाएंगे। और इसी तरीके से A3 का हम करेंगे। और यहाँ पर आता है A1 ब्रैकेट में B2 C3 - B3 C2, फिर ब्रैकेट बंद -A2 as it is, फिर B1 C3 - B3 C1 प्लस A3 B1 C2 - C1 B2। और इसको हल करेंगे इस तरीके से, यहाँ आंसर आता है A1 B2 C3 - A1 B3 C2 - A2 B1 C3 + A2 B3 C1 + A3 B1 C2 - A3 B1 B2। इसी तरीके से हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, फोर्थ नंबर पर लिया है मैंने 3x + 4y 2x + 3y। तो यहाँ पर हम जो न्यूमेरिकल के जैसे हमें समीकरण के रूप में ही क्वेश्चन दे रखा है और जब हमें इसकी सारणिक बनानी होगी, इस समीकरणों को हम सारणिक से कैसे हल करेंगे और एक्स और वाई के मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सारणिक बनाने के लिए जो एक्स के साथ गुणा हो रहे हैं 3 और 2 उसका एक कॉलम बनाएंगे 3 और 2, और जो वाई के गुणक हैं 4 और 3 उसका एक कॉलम दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ सारणिक बन गया 3 2 4 3 सारणिक बन गया है। अब इस सारणिक को हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x अपॉन करेंगे और x वाले जो डिजिट्स हैं उनको छोड़कर बाद वाली y वाले डिजिट्स और इक्वल में जो 8 और 5 लिखे हैं उनका हम कॉलम बना देंगे। तो ये बन जाएगा 8 5 और 4 3। फिर हम करेंगे y अपॉन करने के बाद हम y के साथ जो गुणक हो रहे हैं 4 और 3 उनको छोड़ देंगे, x के साथ जो गुणक है 3 और 2 उनको लेंगे और इक्वल में जो 8 और 5 हैं उनको लेंगे। तो 3 2 8 5 इनका एक सारणिक बना देंगे। इज इक्वल टू में 1 लिखेंगे क्योंकि x और y का हो गया है, अब 1 रह गया है इक्वल वाला, तो 1 अपॉन करके इक्वल में जो संख्याएं हैं 8 और 5 इनको छोड़ देंगे और 3 2 4 3 का एक कॉलम बना देंगे। तो इस तरीके से अब हम इनको हल करेंगे। हल करने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 4 5 3 अपॉन जो इक्वल वाला सारणिक बना था 3 4 2 3 उससे उसको डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से y का निकालने के लिए y का जो सारणिक हमने बनाया था 3 8 2 5 उसको ऊपर रखेंगे अंश में और हर में हम रखेंगे इक्वल वाला 3 4 2 3। इन दोनों को हल करेंगे, वही सारणिक का तरीका है हल करने का, क्रॉस गुणा करके घटाते हैं। तो x को हल करने के लिए सबसे पहले जो ऊपर है अंश में है 8 4 5 3, इसमें 8 और 3 का क्रॉस गुणा करेंगे और 4 और 5 का क्रॉस गुणा करेंगे, इनको आपस में हम घटाएंगे अपॉन ये जो 3 4 2 3 सारणिक है इसमें 3 और 3 का क्रॉस गुणा माइनस 4 और 2 का क्रॉस गुणा करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। इस तरीके से 24 - 20 / 9 - 8 आता है और ये आंसर 4 आता है, x की वैल्यू यहाँ 4 आ जाती है।
इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर आती है -1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी तरीके का है, इसमें 2x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर जो सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, x और y के जो गुणक हैं उनकी एक सारणी बना देंगे, तो वो बन जाएगी 3 2 और 1 3, जो कि इक्वल में आ रही है। और x की सारणी क्या बनेगी, x का छोड़ देंगे और y के गुणक लिखेंगे और इक्वल वाले लिखेंगे 7 8 2 3। और y की सारणी बनेगी, y के गुणक छोड़ देंगे, x वाले लिख लेंगे 3 1 7 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 2 1 3, ये बनेगी। और इसको फिर हम जब आगे हल करेंगे तो पूर्व की तरह ही हम x की जो सारणी बनी थी उसमें इक्वल वाली जो सारणी है उसको भाग देंगे। इसी तरीके से y वाले में y की जो सारणी बनी है उसमें हम इक्वल वाली सारणी का भाग देंगे। तो यहाँ आता है 5 अपॉन 9 x की वैल्यू, और y की वैल्यू आती है 17 अपॉन 7।